गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये है हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे। लास्ट क्लास में भी हमने यही पढ़ा था। आज क्लास में हम जो पढ़ेंगे ये हम एक टेबल देखेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी टेबल्स ही देखे। इस चैप्टर में मैक्सिमम टेबल्स ही देखेंगे, जहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म में दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि इनको हम किस तरीके से सेंटेंस में हम क्रिएट कर सकते हैं। आज का जो हम देखेंगे ये है कि जिसमें कि हम एक सब्जेक्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम एक एडजेक्टिव फ्रेज़ को ऐड करेंगे जो कि नाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी कि एक सेंटेंस में हम एक एडजेक्टिव फ्रेज़ को हम पोजीशन करेंगे जो कि नाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी कि नाउन की वो विशेषता बताएगा कि नाउन कैसा है। इसको हमको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्लेस कर सकते हैं, और अलग अलग एग्जाम्पल से देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको अलग अलग सेंटेंस में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रहता है डिटरमाइनर्स। पहले हमारे पास रहते हैं डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव रहते हैं हमारे पास, फिर हमारे पास रहता है नाउन, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, और लास्ट में हमारे पास रहता है प्रेडिकेट। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट ही। ये हमारे पास इतनी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे, हम जिसको हम अरेंजमेंट देखेंगे हम। तो सबसे पहला हमारे पास है ये पहला हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए कि अ शार्प नाइफ स्ट्रेन्ड विथ ब्लड वॉज फाउंड इन हिज बैग। यहाँ पे देखिए कि ये एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला हो गया ए, ए हो जाएगा डिटरमाइनर कि यहाँ पे ए जो है वो हो गया डिटरमाइनर। एडजेक्टिव हो गया सिंपल, जब हम सिंपल एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं कि वो हो गया शार्प। सेंटेंस में जो एडजेक्टिव हो गया वो शार्प। नाउन की हम बात करें तो नाउन हो जाएगा नाइफ, कि नाइफ जो है यहाँ पे वो हो जाएगा नाउन। एडजेक्टिव फ्रेज जो अब यहाँ पे हमको नाउन की स्पेशलिटी बताएगा, स्ट्रेन्ड विथ ब्लड, यानी कि जो यहाँ पे जो नाइफ है, नाइफ यानी कि छुरी, जो छुरी है यहाँ पे, जो या जो हम कह सकते हैं एक चाकू है, वो स्ट्रेन्ड है विथ ब्लड, यानी कि उस पर खूब सारा ब्लड लगा हुआ है। अगर हम ये एडजेक्टिव फ्रेज को हम हटा दें तो ये सेंटेंस हो जाएगा शार्प नाइफ वॉज फाउंड इन हिज बैग, यानी कि एक शार्प नाइफ जो है वो उसके बैग में मिली, लेकिन नाइफ कैसी है जिसपे खून लगा हुआ है। ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है यहाँ पे, ये इस नाउन की स्पेशलिटी बता रहा है कि नाउन कैसा है, यानी कि जो नाइफ है वो उस पर खून लगा हुआ है। इस तरीके से जो है वॉज फाउंड इन हिज बैग, वॉज फाउंड इन हिज बैग हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। इस तरीके से जो है हमारा ये पहला एक सेंटेंस का जो है ये हमारा पूरा इसका वो है कि जिसमें कि ये डिटरमाइनर, ये एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट। ये पहला एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा पहला था। अब हम इसके बाद सेकंड हम नोट कर लेते हैं, सेकंड एग्जांपल को भी, जिसमें हम लिख लेंगे यहाँ पे।
सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे कि एन एक्सपेंसिव ब्रेसलेट सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है कि एन एक्सपेंसिव ब्रेसलेट स्टडेड विथ डायमंड्स वॉज बॉट बाई हर, यानी कि एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट जिसमें कि हीरे लगे हुए थे वो उसने खरीदा। सो यहाँ पे आप देखिए कि जो एन है ये हो जाएगा डिटरमाइनर, एक्सपेंसिव ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ब्रेसलेट हो जाएगा नाउन, यानी कि हम यहाँ पे नाउन की बारे में सॉरी ब्रेसलेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ब्रेसलेट कैसा है, वो है स्टडेड विथ डायमंड्स, यानी कि जो ब्रेसलेट है उसमें बहुत सारे डायमंड्स लगे हुए हैं। ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज जाएगा वॉज बॉट बाई हर, सो वॉज बॉट बाई हर हो जाएगा हमारा सेंटेंस में प्रेडिकेट। सो इतनी चीज़ें सेंटेंस में हैं। सो ये सेंटेंस भी फर्स्ट सेंटेंस से जैसा ही है। अब आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, जो एडजेक्टिव फ्रेज है ये हमेशा नाउन के बाद आएगा। नाउन के पहले हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो हमेशा नाउन के बाद ही आएगा, इसको नाउन के पहले प्लेस नहीं कर सकते। सो ये एक सीधा साधा रूल होता है कि जब भी हम एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमको जो एडजेक्टिव फ्रेज है इट विल ऑलवेज कम आफ्टर द नाउन, हम इसको नाउन के पहले नहीं लगा सकते। तो आप देखिए कि चाहे ये सेंटेंस हो चाहे ये सेंटेंस हो, दोनों में एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो नाउन के बाद ही लगा हुआ है। सो इस तरीके से ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। हम थर्ड एग्जाम्पल भी देखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल केजेस वर इन पिटिएबल कंडीशन। सो यहाँ पे देखिए आपकी इस सेंटेंस में डिटरमाइनर नहीं है, यहाँ पे डिटरमाइनर जो है वो नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो स्टार्ट हो रहा है सेंटेंसेस, ये शुरू हो रहा है हमारा वाइल्ड जो है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एडजेक्टिव और एनिमल्स हो जाएगा यहाँ पे नाउन इन स्मॉल केजेस, यानी कि जो जानवर हैं वो जो है वो स्मॉल केजेस में है। सो वाइल्ड एनिमल्स, ये तो वाइल्ड हो गया तो एडजेक्टिव, एनिमल्स हो गया नाउन, इन स्मॉल केजेस हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, जो कि आपको यहाँ पे नाउन की स्पेशलिटी बता रहा है कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत छोटे केजेस में रखें, केजेस यानी कि बाड़े जिसके अंदर जानवरों को रखा जाता है जू में या इस तरह से। सो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज और ये हो जाएगा वर इन पिटिएबल कंडीशन। सो पिटिएबल कंडीशन यानी कि यह हो गया हमारा प्रेडिकेट कि जानवर जो है वो उसमें बहुत बुरी हालत में है या बहुत दयनीय स्थिति में है। सो इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है जिसके अंदर बस एक डिटरमाइनर नहीं है, बाकी इसके अंदर एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट, ये चारों चीज़ें इसके अंदर सेंटेंस में हैं। सो ये हमारे तीन एग्जांपल्स हो गए, इन तीन एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कि ये सेंटेंस जो है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि एक मुसीबत के वक्त में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। सो इस सेंटेंस में आप देखिए कि जो ए है ये हो गया डिटरमाइनर, उसके बाद इसमें
एडजेक्टिव नहीं है। आप देखिए सेंटेंस में हम सीधे फ्रेंड की बात करें, ये फ्रेंड कैसा हमको नहीं पता, हमने कहा कि एक फ्रेंड, अब ये फ्रेंड जो है तो ये फ्रेंड जो हो गया ये हो जाएगा यहाँ पे नाउन। सो दिस इज नाउन, ये आपका इस सेंटेंस में यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, डिटरमाइनर के बाद सीधा नाउन है। अब नाउन के बाद यहाँ पे है इन नीड, यानी कि दोस्त कैसा है जो आपके आपको ज़रूरत के वक्त काम आ रहा है। सो यहाँ पे इन नीड जो हो जाएगा ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि अ फ्रेंड इन नीड, सो इन नीड इज़ द एडजेक्टिव फ्रेज और इज़ अ फ्रेंड इन डीड, सो ये पार्ट हो जाएगा आपका प्रेडिकेट इस सेंटेंस में। सो ये एक सेंटेंस है जिसमें कि एडजेक्टिव नहीं है, इसके पहले हमने जो सेंटेंस देखा था उसमें डिटरमाइनर नहीं था, सो इसमें एडजेक्टिव नहीं है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि डिटरमाइनर, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट, सो इसके अंदर ये चार चीज़ें प्रेजेंट हैं। सो ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट को कंबाइन करके हम किस तरीके सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, और हमको हमेशा ये याद रखना है कि हमको एडजेक्टिव फ्रेज को नाउन के बाद ही लगाना है, नाउन के पहले हमको उसको यूज़ नहीं करना है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।